नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम मनोज कोहली, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोहली टेलीविजन। दोस्तों, ये मेरा जो अगस्त मंथ का 2 तारीख से जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो अभी तक चल रहा है। आज का डेट में जो पैनल का एक फॉल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, 24 इंच का सेट है। देखिए इसमें सेट बैकलाइट ओके, नो डिस्प्ले। तो इसमें क्या है, एक्चुअल जो VGL और VGH पूरा आप मीटर में कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो शॉर्ट है, वो शॉर्ट कैसे आप फाइंडिंग करेंगे, ये फॉल्ट कैसे रिपेयर करेंगे, पूरा डिटेल्स आप देखेंगे। आप देखते रहिए, वीडियो स्किप मत करिए प्लीज। वीडियो स्किप स्किप करेंगे तो आपको काम करने का टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए, मैं इसको देखा। देखिए दोस्तों, वो जो आप 24 इंच का टीवी जो देख रहा था, बैकलाइट ओके नो डिस्प्ले, वो पैनल पूरा ओपन करके मेरा वर्क बेंच पर रखा है, वो कैसे रिपेयर होता है, वो जो मेरा पास फ्रेंड स्टूडेंट अब जो मान सकता है मेरे पास जो आया है, वो सब मिलकर मैं वो रिपेयर करूँगा, फाइंडिंग करूँगा कैसे रिपेयर होगा। ठीक है, तो इसका मैं साथ में यूनिवर्सल बोर्ड कनेक्ट किया है, स्टैंड बाय रिलीज़ हुआ है। तो देखिए 12 वोल्ट सप्लाई तो यहाँ पर प्रेजेंट है, सप्लाई प्रेजेंट है, और 3.3 वोल्ट इज ओके। और देखिए यहाँ पर VGH पॉइंट है, VGH में कुछ वोल्टेज नहीं है। अब देखिए VGH में कुछ वोल्टेज नहीं है, और एवरीडी में देखिए एवरीडी में जो वोल्टेज बूस्ट अप वो नहीं हो रहा है। और उसका साथ साथ देखिए ये जो VGH एम जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, इसमें भी कुछ वोल्टेज नहीं है। और VOFF VGL जो होता है, VGL में कुछ वोल्टेज नहीं है, 0 वोल्टेज बता रहा है। तो इसी हिसाब से तो बैकलाइट ओके नो डिस्प्ले होगा। एक्चुअल इसका फॉल्ट क्या है, आप देखिए, आपको मीटर को बाजार रेंज में दे दिया, इसको स्टैंड बाई कर दो सेट में। एक्चुअल फॉल्ट क्या है आप देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट है। ये VOFF जो VGL है और जो VGHM है, दोनों क्या ओम्स बता रहा है देखिए मीटर पे, 86। VGL और VGHM 86 ओम रीड देंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे जो इसमें कोई शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्ट कहाँ पर है, शॉर्ट कहाँ पर है, ये जो रजिस्टर है देखिए, ये रजिस्टर रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ही आप यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा। स्टैंड बाई है तो ठीक है, एक बार फैन ऑफ कर दीजिए, एक सेकेंड। देखिए ये जो रजिस्टर है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। देखिए पहले क्या था, सेट स्टैंड बाय रिलीज करिए, पहले क्या था VGH ABDD VGL वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था। अभी देखिए मीटर में देखिए, ये रजिस्टर रिमूव करने के बाद देखिए यहाँ पर VGH पॉइंट है, देखिए VGH 30 वोल्ट जनरेट हो गया और ABDD 15 वोल्ट जनरेट हो गया। VGL -7.97 वोल्ट जनरेट हो गया। तो ये रजिस्टर कनेक्ट करने के बाद ही पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसी का हिसाब से तो यहाँ पर शॉर्टेज है। ये ग्लास का अंदर भी शॉर्ट हो सकता है, कॉप भी खराब हो सकता है, और कॉप का जो बॉन्डिंग पॉइंट है यहाँ पर सप्लाई लाइन में, वो भी वहाँ पर कोई बार और शॉर्टेज हो सकता है। वो कैसे मैं फाइंडिंग करूँगा फॉल्ट को, आपको पूरा दिखाऊँगा। ठीक है, आप वीडियो देखते रहिए दोस्तों। जो 24 इंच का BOE पैनल का जो आप देख रहा था VGH शॉर्ट, वो रिमूव किया है। वो रिमूव करने का बहुत सारी तरीका है, वो मेरा प्रोग्राम में मैं पूरा डिटेल्स दिखाया, जो आदमी आया था तो सब किया है, लेकिन सेट एट लास्ट वो रेडी हुआ। तो कैसे रेडी हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप देख पाएंगे। मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा सेप्टेम्बर मंथ में, 27 to 34 डे ओनली फॉर पैनल के प्रोग्राम
मैं अरेंज किया है, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड करना चाहते हैं, मेरा जो नंबर है स्क्रीन पर देखिए, इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी ग्रुप में आप ज्वाइंट होना चाहता है, जो आदमी दूर से है आने का बहुत दिक्कत है, तो वो पेड ग्रुप है दोस्तों, वहाँ पर आप भी ज्वाइंट हो सकता है। उसको थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, पूरा वो मेरा टीम है आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। टीम नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है, मैं दोनों मिलकर ऐसा करता हूँ। तो चलिए इधर आइए, इसको आप देखिए, ये पूरा मैं रिमूव किया है। आप यूट्यूब बहुत सारी चैनल में देखेंगे वो जो शॉर्ट रिमूव करता है, 5 वोल्ट देता है, ऐसा कुछ वोल्टेज मेजरमेंट करके देने के बाद रिमूव होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा वो वोल्टेज देने के बाद भी रिमूव नहीं होगा, तो क्या करेंगे। ये जो सीक्रेट टिप्स हैं वो आपको नॉलेज होना चाहिए, तब भी ये काम कर पाएंगे। पूरा देखिए, शॉर्ट तो ऑलरेडी रिमूव हो गया, पूरा जो कॉफ है यहाँ से आप देखिए, उसको देखाइए थोड़ा सा, कौन सा लाइट डिस्टर्बेंस है, ये वाला ना, ये वाला, यहाँ से पूरा आप देखिए, ये जो वायर है ना, इसको पूरा जंपरिंग किया है, और जंपरिंग तो किया है, लेकिन उसका जंपरिंग का पहले जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना चाहिए, नहीं तो जंपरिंग करेगा फिर कॉप बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरा रेडी करके, सब वोल्टेज ऑलरेडी सेट चालू है, मैं आपको देखाता हूँ, इधर आइए वोल्ट मीटर में देखिए, देखिए ये जो है, ये देखिए वीजीएच वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है, और वीजीएल भी है, अब देखिए वीजीएल भी है, सब कुछ है, ठीक है। वीजीएल वीजीएच तो देख लिया और क्या करेगा। तो इसको मैं सेट बैकलाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा है, आया है वो, दो एक वर्टिकल लाइनिंग आ रहा है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया काम करने का टाइम, ये जो कॉफ है ना थोड़ा सा अचानक कोई हीट लगा हुआ है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली सेट रेडी हुआ है, मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखाऊंगा, देखेंगे, वीडियो ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए ये मेनू दबाइए, देखिए पूरा डिस्प्ले आ जाएगा, देखाइए। तो दोस्तों ये जो VGL VGH जो शॉर्ट कैसे रिमूव करेगा, ये मेरा जो नेक्स्ट सितंबर मंथ में जो प्रोग्राम होगा उसी प्रोग्राम में मैं ये डिटेल्स जो टेक्नीशियन मेरे पास आएंगे उसको मैं देखाऊंगा, मैं ये मेरा ऑफिस में इसको रखूंगा, कोशिश करूंगा देखने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।